खबर वाराणसी। राजस्थान औषधालय मुंबई द्वारा पूरे भारत भर में चलाए जा रहे डॉक्टर सम्मान समारोह के तहत जिला मुख्यालय स्थित जोधपुर रोड बाईपास सर्किल के पास स्थित निजी होटल में डॉक्टर सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जिसमें नागौर जिले के 60 आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लाखों कोविड-19 के मरीजों की जिंदगी बचाई। कोरोना योद्धा आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। अगर भारत में आयुर्वेदिक औषधियां तथा प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता तो कोरोना को नियंत्रित करना मुश्किल साबित होता। उन्होंने सभी चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने कोरोना से जंग जितवाने में मुख्य निभाया, साथ ही उस समय हर घर में आयुर्वेदिक प्रणाली का उपयोग किया गया। उसी को देखते हुए आरएपीएल ग्रुप मुंबई ने पूरे भारत भर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर सम्मानित करने का निर्णय लेकर चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। समारोह के बतौर अतिथि डॉक्टर माणक चंद गौड़ ने कहा कि राजस्थान औषधालय मुंबई द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों का सम्मान कर नई ऊर्जा दी है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा जिस तरह से जिले में कोरोना काल के दौरान सेवा की गई, उसी का परिणाम है कि राजस्थान औषधालय ने उन्हें समाज से नवाजा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मानवीय सेवा कर साबित किया कि चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप होते हैं। उसी को देखते हुए आरएपीएल ग्रुप ने जिले के डॉक्टर का सम्मान कर मनोबल बढ़ाने का काम किया है। डॉक्टर सम्मान समारोह में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर गोपाल तिवाड़ी ने कहा कि कोविड-19 के दौरान निस्वार्थ भाव से आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने कोरोना के मरीजों की जान बचाई, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान औषधालय आयुर्वेद के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने आरएपीएल ग्रुप के चेयरमैन रहे डॉक्टर सलाउद्दीन चौपदार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत कर देश के लाखों लोगों को नशा मुक्ति की दवा देकर नया जीवन दान दिया। इस दौरान डॉक्टर सम्मान समारोह में डॉक्टर कमल किशोर उपाध्याय ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियां कोरोना काल के दौरान कारगर साबित हो रही थी। उस समय आयुर्वेद के डॉक्टर्स के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आई, जिसका जिले के चिकित्सकों ने सामना किया। उसी मेहनत को समझते हुए राजस्थान औषधालय ने सम्मानित कर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को नई दिशा देने का काम किया है। डॉक्टर सम्मान समारोह की शुरुआत धन्वंतरी पूजा से की गई, जिसमें अतिथियों ने धन्वंतरी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया। डॉक्टर सम्मान समारोह में अतिथियों एवं जिले के सभी डॉक्टर्स को राजस्थान औषधालय मुंबई परिवार की ओर से माला शॉल साफा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में आरएपीएल ग्रुप के चेयरमैन रहे डॉक्टर एससीएसटी चौबदार को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान डॉक्टर सम्मान समारोह में कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर गोपी किशन शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र रावत, डॉक्टर हरवीर सिंह, डॉक्टर इस्माइल राव, डॉक्टर पूनम चंद शर्मा, डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर भगवान राम, डॉक्टर अली आकर, जुबैर अली सहित जिले भर के आयुर्वेदिक चिकित्सक उपस्थित थे।